बोझल गल्लां नहीं करांगा। विशा मैनू दिता गया भी सिमियोटिक्स की है, जिसनों असी चिहन विज्ञान कहने अज के ज्ञान दे विच जां चिहनीकरण कहने हैं। ते काल मौत दा श्री गुरु ग्रंथ साहब विच जिहड़ा संकल्प है उसका चिहनीकरण किहो जिहा है। पेपर मेरा लम्मा है, मैं अध पचे दा पेपर विचों छड़ देंगा, बाद विच छप जाना है। कुछ गल्लां जिहड़ियां है मैं थोड़ा जिहा समां लैके जरूर करांगा। इस गल दे विच नहीं पाऊंगा कि सिमियोटिक्स की है, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी का कम, मैं यूनिवर्सिटी का मैं कोई पीरियड नहीं लै रहा भी तुहानूं समझावां भी सिमियोटिक्स की है, पर उहदे विचों कुछ गल्लां एक दो है जिहड़ियां मैं अप्लाई जरूर करांगा और ये देखण दा यतन करांगा कि गुरबाणी इन्हां गल्लां दे आले दुआले सिमियोटिक्स का किहो जिहा मॉडल है जिहड़ा उह सारदी है ते उह विलक्षण किस्म दा किवें है। काल ते मौत नूं आदि काल तो ही दर्शन फलसफे ते साहित विच विचारिया जांदा रहा है, क्योंकि जीवन ते ब्रह्मांड दा विकास जां परिवर्तन काल ते मौत नाल जुड़िया होया है। ये ज्ञान ते साहित दे केंद्री चिहन रहे हैं, चिहन गुरबाणी दा ही लफज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच काल उबलीक मौत दा चिहनीकरण किस रूप विच होया है। जो असी काल ते मौत कहने उदों होर अर्थ हुंदा, इत्थे भी काल उबलीक मौत लिखा गया है। ये मैं गल समझावांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो असी कहने उदों काल ते मौत कहने की लोड़ नहीं, काल मौत ही कहांगे उबलीक, क्योंकि जिस विचार प्रबंध विच चिहनीकरण गुरबाणी विच हो रहा है फिर उस पैराडाइम नूं जां लड़ी नूं वधेरे समझा जा सकदा। मैं वेदांत दी जां उपनिषदां दी बहुती व्याख्या दे विच नहीं करांगा, थोड़ी जी कीती भी हुई है उस नूं मैं नहीं पढ़ांगा, पर मैं एक गल है जिहड़ी वो स्वामी नित्य बोध आनंद दी है, जिहड़ी टाइम बारे काल बारे जिवें उपनिषदां दे विच उन्होंने इंटरप्रैट किया उहदी गल है जिहड़ी तुहाडे नाल उन्हां दे लफ्ज़ां दे विच जरूर सांझी करना चाहुंदा, क्योंकि मेरे पेपर दे विच इह गल है जिहड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम कुक्स आर राइपन्स ऑल थिंग्स इन द ग्रेट सैल्फ, ही हु नोज दैट इन विच टाइम इज राइपन नोज इन रियलिटी, सेज द उपनिषद। By a sort of dialectic, the Upanishad wants to awaken in us the time, transcending quality which lives independent of things and hence independent of time. For mark of words, things are cooked, self is not cooked or affected by time, rather the self cooks or conquers time. To the extent to which we identify with the self and not with the body and the things on which it depends, we go beyond time. Our lower self is caught in time, the higher self is always above its influence. Kaal nu itthe vakat de roop vich chihnit kita ja reha hai। काल नूं भारती दर्शन विच नौ द्रवां विचों एक आख्या गया है। बाकी द्रव हन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, आत्मा, मन, ते उन्हां दे वक्रे वक्रे गुण हन। पृथ्वी दे 14, जल दे 14, अग्नि दे 11, वायु दे 9, आकाश दे 6, दिशा दे 5, आत्मा दे 14, मन दे 8 ते काल दे 5। यह विस्तार ऋषि कनाद ने विशेषक विच कीता सी।
ਉਹ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਵ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਵ ਹਨ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਵੀ ਚੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਾਲ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਤਮ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਆਤਮ ਦਾ ਭਾਗ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਉਗੜਦੇ ਹਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮੁਕਤੀ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਬੋਹਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਆਫ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਨ ਦਾ ਆਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਮ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦਾ ਬੁੱਧਾ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਵ ਸੈਡ ਨਿਰਵਾਨ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂਸ ਕਾਲ ਇਟ ਮੋਕਸ਼ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਚਿਹਨ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਚਿਹਨ ਸਾਈਨ ਚਿਹਨ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਿਓਟਿਕਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ ਚਿਹਨਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ ਸਿਗਨੀਫਾਇਡ ਚਿਹਨ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਚਿਹਨਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿਗਨੀਫਾਇਡ ਨਹੀਂ ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਿਹਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਜੀਮੇ ਨਾਕਾਮੂਰਾ ਨਾਕਾਮੂਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੀ ਨੋਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਸ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਥਾਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਫਨਾਮਨਾ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਵਡ ਸਟੈਟਿਕਲੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਡਾਇਨਮਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਮੂਵਿੰਗ ਐਂਡ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬਟ ਦਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨਚੇਂਜਿੰਗ ਬਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਲੈਸ ਫਲਕਸ ਨਾਕਾਮੂਰਾ ਅਨਿਯਥਤਾ ਭਵਤੀ ਜਾਂ ਅਨਿਯਥਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਛੱਡਦਾ ਸੈਭੰਗ ਜਾਂ ਸੈਭੂ ਵਿੱਚ ਥੀਣ ਬੀਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਕਮਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਕਮਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਂਗ ਬਿਕਮਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਕਮਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਫੈਲਾਅ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਕਾਮੂਰਾ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵੈਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਵੈਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਾਲ ਉਬਲੀਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਉਬਲੀਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਸ
निश्चित कर देता है। शेख फरीद कुछ गल्लां छड़ गए। शेख फरीद मौत नूं जिवें चित्रदे हन उस दीयां जड़ां कुरान शरीफ ते हदीस विच बणदियां हन। मौत दे फरिश्ते दा बिंब हदीस विच है, उही बिंब फरीद विच है। फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टूटी नागरला जजराइल फरिश्ता और बहुत सारिया जिहड़ियां उदाहरण जिहड़ियां मैं कोट कीतियां, इस करके कोट कीतियां होईयां क्योंकि फरीद दे विच ते बाकी भगतां दे विच काल मौत दा जिहड़ा संकल्प है उन्हां दीयां जड़ां ने जिहड़ियां उह वक्खरियां वक्खरियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उह ज्ञान उह सोर्सिस बाबा फरीद दीयां जड़ां जिथे ने उस नूं भी शामिल किया गया और दूसरे भगत जिन्हां दीयां जड़ां और जिन्हां दे संवाद है जिहड़े विधान तक पहुँचते हैं उन्हां नूं भी शामिल किया गया। इसकी बड़ी लंबी व्याख्या हो सकती है। इस्लाम विच मुजाहिद जिस सच की चेतना लई जूझदा है उस चेतना लई फरीद मौत का बिंब साकार करता थां पर थां बोलता है। सत्रां मैं छड़दा, जे शैतान नूं वजाया दा जिक्र है तां इस दीयां जड़ां भी इस्लाम जां सेमटिक मिथ विच हन। इउं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच इक पासे शेख फरीद दे काव विचली मौत चेतना दीयां जड़ां इस्लाम सूफीवाद विच हन तां दूजे पासे भगत बाणी विच काल मौत दा चिनार्थ भारती दर्शन विच उसरे चेन प्रबंध नाल संवाद करदा नज़र आउंदा है ते गुरबाणी विच उसरे पैराडाइम दा आगाज़ कर दिंदा। काल मौत एक यूनिफाइड साइन के तौर पर एक संयुक्त चिन्ह के तौर पर भगत बाणी के विच उदय हो जाते हैं। जी जंत जहा जहा लग करम के बस जाओ, काल फास शब्द लगे कछ ना चले वाह, जां होर बहुत सारिया सत्रां जिहड़ियां उह कोट कीतियां जा सकदियां भगत रविदास दे विचों, भगत कबीर दे विचों, भगत दूसरे भगतां दे विचों। उन्हां नूं मैं छड़दा। काल मौत का जो संयुक्त चिन्ह गुरबाणी विच उसरदा उस विच मौत का भय नहीं, मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद का संबंध निरभौ स्थिति नाल है। अकाल पुरख की चेतना विच अकाल काल रहत नहीं, ना काल नहीं, उस विच काल मनफी नहीं, सगों इको समय आ जमा काल भी है, आ मनफी काल भी है ते काल तो बियाउंड जाण दी स्थिति भी है। इउं अकाल एक नवा संकल्प या नवा अनुभव है, एक काल ते जित दी स्थिति है। तू अकाल पुरख नाए सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला, अकाल मूर्ख जिस कदे नहीं खाओ, अकाल पुरख अगाध। बहुत सारिया सत्रां जिहड़ियां गुरबाणी दे विचों होर भी लईयां जा सकदियां। इस चेतना नाल काल ते मौत दे संकल्प विच अंतर नहीं रहिंदा। काल केवल वक्त नहीं रहिंदा, काल ते मौत विच द्वैत नहीं रहिंदा। जिस नूं मैं आख्या सीगा कि हिंदू टैक्स दे विच, हिंदू फलसफे दे विच द्वैत कहण दे बावजूद द्वैत है जिहड़ी उह खत्म नहीं हो रही। मौत काल दी ही प्रक्रिया दा एक बिंदु है। इहो जिहा बिंदु नहीं कि मौत है जिहड़ी अखीर ते आउणी। काल दी जिहड़ी प्रक्रिया है, जिहड़ी मौत है जिहड़ी, उह तां उहदे विच ही पई हुई है। मोक्ष चेतना दे तौर ते काल जिहड़ा प्रवाहित है उस दे विच ही घुलिया होया, उस दे विच ही पिया होया। इउं गुरबाणी दा जिहड़ा इह संकल्प है इह बहुत अगेरे है वेदांत तों। उसनू विधान के उत्ते उस तरह असी रिड्यूस ना कर लीए। बहुत सारिया गुरबाणी दीयां सत्रां मैं गुरु ग्रंथ साहब के विचों दित्तियां, समय के मुताबिक क्योंकि समा काफ़ी हो गया उन्होंने छड्डदा। काल उबलीक मौत गतिशीलता है, प्रवाह है। परंपरक दर्शन विच खड़ोत मौत सी, आखिरी बिंदु मौत सी। मौत चिन्हित या सिग्निफाइड, क्योंकि जदों असी
चिन्हित कह दें जां सिग्निफाइड कह दें वो तो एक अंतम अर्थ कर दिता। मौत जां काल है जिहड़े वो कोई अंतम अर्थ नहीं है, वो प्रवाह है, गतिशीलता है, फलक्स है, अगां जाना। तो इस करके उसनू चिन्हित नहीं किया जा सकता, सिग्निफाइड नहीं किया जा सकता, उसनू सिग्निफायर दे राही ही व्याख्या दे विच लिया जा सकता। गुरबाणी विच ये चिन्हिक है, सिग्निफायर है, एक कंटीन्यूअस पैराडाइम जो गतिशीलता नाल जुड़िया होया है, ठहरदा नहीं। बहुत सारिया गुरबाणी दियां सत्रां मैं इस नूं सिद्ध करन लई दित्तियां होईयां, वो छप जाणगियां, छड्डदा उहनां नूं। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संघ चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर उपर मरना, जां होर बहुत सारिया सत्रां जिहड़ियां इस किस्म दियां। इस चेतना नाल ही गुरबाणी दे होर संकल्पी चिन्ह जुड़े हुए हन। मनमुख ते गुरमुख गुरबाणी दे ओ मुख चिन्ह हन जिन्हां राही गुरबाणी सिद्धांतां दी, गुरबाणी दे सिद्धांतां दी डायलैक्टिक्स समझाउंदी। डायलैक्टिक्स है जिहड़ा मार्क्सिस्ट लफज है, पर मैं इत्थे जाण के वरत्या क्योंकि मनमुख ते गुरमुख दो इहो जिहियां चीज़ां जिन्हां नूं साडे बहुत सारे विद्वान हैं जिहड़े इस तरह पेश कर दिंदे आ, जिहड़े चिन्ह विज्ञान दे नाल जां सिमैटिक्स नाल जुड़े हुए है, कि ये दो बाइंडरी अपोजिशनस ने। बाइंडरी अपोजिशनस ने जिहड़ियां उन्हां दोनों दे विच एक जुड़ता हो सकती, एक समझौता हो सकता। मनमुख गुरमुख नहीं हो सकता तो गुरमुख मनमुख नहीं हो सकता, ये दो विरोधी स्थितियां ने। इस करके इन्हां नूं डायलैक्टिक्स शब्द है जिहड़ा उहदे अंतर्गत रख्या जा सकता है, इहनूं बाइनरी अपोजिशन दे अंतर्गत इसनूं पूरी तरह नहीं रख्या जा सकता, रख्या ही नहीं जा सकता। मनमुख मरे अहंकार मरण विगाड़िया, होर बहुत सारियां सत्रां इस दे मुकाबले। गुरमुख की मरण स्थिति उह है जिस ते काल का असर नहीं हुंदा, गुरमुख मोए जीव दे परवान है, मनमुख जन्म मराए, नानक मोए ना आखिए जे गुर के शब्द समाए, होर बहुत सारिया सत्रां। इह स्थिति ही जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्त से आखिए मर जीवे मरिया। गुरबाणी विच इउं काल उबरीक मौत का जिवें चिन्हीकरण होया है, उसने मनुख नूं एक नवी जीवन जात दे दिती। सिख इतिहास विच शहीदी इस जीवन जात का जलौ सी। इस चेतना दे विचों ही गुरु तेग बहादुर मरण की गल करते हैं। बहुत सारे सिख विद्वान कह देंदे है भी गुरु तेग बहादुर साहब की जिहड़ी बाणी है इहदे विच वैराग है। ये गल बड़ी सोचण वाली है, वैराग का कोई संबंध नहीं जिहड़े इस सारे पैराडाइम दे नाल, सिखिज़म दे नाल वैराग का कोई संबंध नहीं। उस दियां जड़ां जिहड़ियां होर किस्म की चेतना जिहड़ी उस दे विच बन गईआं। इस करके उस बाणी का मरण बारे चेतन करन का एक पूरा परपज है, क्योंकि एक पूरी की पूरी कौम है जिहड़ी मरण लई तैयार की जा रही, जिहदे विचों शहीदियों का जलाओ जिहड़ा सामने आ जाता है। जदों ये कह दिता जाता ना कि गुरु तेग बहादुर है जिहड़े भी कश्मीर के पंडित आए तो उस करके वह शहीदी देने लई तुर गए, ये तो एक छोटी जी बहुत गल है, इन्नी छोटी जी गल करके नहीं वो शहीदी दे रहे। उन्होंने एक पूरी की पूरी कौम दे वास्ते एक मॉडल है जिहड़ा बनना, जिहड़ी शहीद होने के राह के उत्ते जा रही है, जिसने एक पूरे का पूरा प्रबंध है जिहड़ा उसनू ढह ढेरी कर देना मुगलों का। इस करके उस गल नू इस पैराडाइम नाल जुड़ के समझण की लोड़ है। जीवन जाच का जलौ सी जिसने अनैतिक जीवन जाच राज काज नू रद्द कर दिता, एक नवे मनुख की सिरजना कर दी। दसम ग्रंथ विच अकाल उस्तद का उदय भी इसे चेतना चों होया, सब को काल सबन को करता, लंबी कोटेशन है जिहड़ी चलती। गुरबाणी विचली काल उबलीक मौत दी इस चिन्हकारी का अध्ययन तुलनात्मक होकर करदे आ पछम दे फलसफे अते होर टैक्सट नूं भी छोया जा सकता है, पर मैं उस दर्शन जां टैक्सट वल संकेत करना वधेरे योग समझा
जिस दी गल भगतां ते गुरु साहिबान दे सामने संवाद लई मौजूद सी। गुरबाणी ने उस चिहन प्रबंध दे स्वरूप नूं बदल दिता। इस नूं बहुत चेतन हो के समझण दी लोड़ है। मैं कुछ ही गल्लां छोईयां जिन्हां दा विस्थार कदे फिर हो सकता है, पर विशेष ध्यान विच रखण वाली गल इह है कि सिमियोटिक्स या चिहनीकरण की दृष्टि तो गुरबाणी विच काल उबलीक मौत का चिहनिक जिहड़े सिमियोटिक्स नूं समझदे, उस वोकैबुलरी नूं समझदे, टाइम नहीं इस मैं सारी गल की व्याख्या करा। गुरबाणी विच काल उबलीक मौत का चिहन या चिहनिक आर्बिट्रेरी नहीं। सिमियोटिक्स दे विच एक बहुत झगड़ा कि साइन किहड़े आर्बिट्रेरी हुंदे आ, पर गुरबाणी है जिहड़े जिस ढंग दे नाल हिंदू फलसफे जां टैक्स तो लैके बहुत कुछ बदल रही है, विकास दे रही है, नवा पैराडाइम तैयार कर रही है, कंटीन्यूस चिहन है जिहड़ा उस नूं सामने लिया रही है, जां एक फलक्स नूं सामने लिया रही है, उस दे विच चिहन है जिहड़ा इह आर्बिट्रेरी नहीं है। सुचेत तौर ते डायक्रॉनिक ते पैराडिगमैटिक विकास नाल जुड़िया होया। एक गल बड़ी समझण वाली है क्योंकि इस समय दे विच मैं कोई पोलिटिकल नहीं करना चाहुंदा इस स्टेज दे उत्ते, पर वो ताकतां ने जिहड़ियां सरगर्म ने जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब दे चिहनां नूं सिर्फ आर्बिट्रेरी कह दे, रिड्यूस कर देण उन्हां नूं पुरानियां गल्लां दे उत्ते, ते सानूं नवें ज्ञान नाल जुड़दियां भी इस गल वालों चेतन होने की लोड़ है कि सारे दे सारे इस मॉडल दे विच गुरु ग्रंथ साहिब है जिहड़ा वो पुरानी जिहड़ी परंपरा चली आ रही सीगी उस नाल संवाद भी कर रहा है ते उस तों विद्रोह भी कर रहा है, एक नवीं गल कह रहा है। मेहरबानी।